दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल इजी वे अकेडमी में स्वागत है। आज हम देखेंगे आर्क टैक्स। अगर कोई आर्क है और आपको आर्क शेप में कोई टैक्स लिखने हैं तो कैसे लिख सकते हैं, तो उसके लिए कमांड है आर्क टैक्स। आपको लिखना पड़ेगा आर्क टेक्स्ट, फिर आपको आर्क सिलेक्ट करना पड़ेगा। अभी यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर सर्कल होगा तो आप इस कमांड का यूज़ नहीं कर सकते, तो आपका ऑब्जेक्ट आर्क ही होना चाहिए। तो आर्क को आपको सिलेक्ट करना है, फिर यहाँ पे जो टैक्स मैटर है वो लिखना है। सपोज मैं कोई टैक्स लिख रहा हूँ, उसके आपको फंड्स चेंज करने हैं। अगर आपने स्टाइल बनाई है तो स्टाइल भी ले सकते हैं, और मैं ओके कर देता हूँ तो यहाँ पे वो आ जाए। सपोज मैं स्टाइल भी क्रिएट कर देता हूँ, स्टाइल वन, एक ये फॉन्ट ले रहा हूँ। दूसरे ये फंड ले रहा हूँ। वापस आपको आर्क टेक्स्ट कमांड लेना है, क्लिक। स्टाइल चेंज करनी है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। जो भी फंड चाहिए वो आपको ले लेना है। फिर यहाँ पे ऑप्शन है, उसमें फर्स्ट है रिवर्स टैक्स रीडिंग ऑर्डर। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसके कॉपी कर रहा हूँ, वापस से कमांड दे रहा हूँ आर्क टैक्स, क्लिक कर रहा हूँ। अभी मैं रिवर्स ऑर्डर पे क्लिक कर रहा हूँ और ओके कर देना, तो आप देखेंगे रिवर्स ऑर्डर में टेक्स्ट आ जाएगी। जैसे आपने इसका मिरर किया है उस टाइप से रिवर्स टेक्स्ट आ जाएगी। वापस आपको रिवर्स करेंगे आप तो पहले जैसी टेक्स्ट ही वैसी आ जाएगी। फिर यहाँ पे ड्रैग मोड, ड्रैग मोड में क्या, अगर आप ड्रैग मोड लेंगे तो आप यहाँ से ड्रैग कर सकते हैं। वैसे ही लेफ्ट अलाइनमेंट है कि अगर आप लेफ्ट लेंगे तो अलाइन लेफ्ट साइड हो जाएगा, तो लेफ्ट टू राइट टैक्स आएगी। राइट लेंगे तो राइट साइड से अलाइन होगा। अगर आप सेंटर लेंगे तो सेंटर अलाइन होगा। डिफॉल्ट ऑप्शन ये फीट होता है। फीट में क्या होगा कि स्टार्टिंग टू एंडिंग फीट हो जाता है। फिर यहाँ पे है ऑन कॉन्वेक्स साइड एंड कॉन्केव साइड। तो अभी आप देखेंगे तो टेक्स्ट बाहर है, मीन्स कॉन्वेक्स साइड है। अगर आप कॉन्केव कर देंगे तो इनसाइड आ जाएगा, कॉन्वेक्स साइड। फिर यहाँ पे है आउटवर्ड फ्रॉम सेंटर, तो डिफॉल्ट ऑप्शन यही होता है। अगर आप इनवर्ड कर देंगे आप देखेंगे जो स्टार्ट है वो रिवर्स से स्टार्ट हुई और इनवर्ड साइड है, अभी आउटवर्ड है, और यहाँ पे आप देखेंगे इनवर्ड साइड, यहाँ पे टेक्स्ट है वापस आउट। फिर अगर आपको बोल्ड अप्लाई करना है, इटालिक करना है, तो बोल्ड इटालिक हो जाएगा। अंडरलाइन करनी है तो अंडरलाइन कर सकते हैं आप। कलर अप्लाई करना हो टेक्स्ट को, कलर दे सकते हैं। फिर यहाँ पे टेक्स्ट की हाइट है, सपोज हाइट दे रहा हूँ मैं
0.6। तो टैक्स की हाइट इंक्रीज हो जाएगी। फिर यहाँ पे ऑफसेट फ्रॉम आर्क है, आर्क से कितने डिस्टेंस के बाद टैक्स आनी चाहिए, तो अभी डिस्टेंस है 0.3514, तो यहाँ पे मैं 0.1 कर देता हूँ, तो 0.1 डिस्टेंस हो जाएगा। अगर आपको टच करना है आर्क को तो वैल्यू 0 लेनी है, तो यहाँ पे टच हो गया आएगा। आपको लेफ्ट साइड से कितना ऑफसेट लेना है वो भी ले सकते हैं, सपोज 0.5 डिस्टेंस का ऑफसेट लेना है लेफ्ट साइड, तो इतना डिस्टेंस छोड़ने के बाद टैक्स स्टार्ट होगी। एंडिंग में भी ऐसा आपको देना है राइट साइड, तो वहाँ पे भी आप ऑफसेट ले सकते हैं। फिर अगर आपको विड्थ चेंज करनी है तो विड्थ चेंज कर सकते हैं 0.5, विड्थ कम हो जाएगी, डबल चेंज हो जाएगी। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन है कैरेक्टर स्पेसिंग, अभी आप देखेंगे ये ऑप्शन बंद है। इसका रीजन है कि अगर आपका फिट ऑप्शन होगा, एलाइन फिट होगा, तो ये ऑप्शन ऑन नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं सपोज सेंटर ले रहा हूँ, सेंटर लेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन ऑन हो जाएगा कैरेक्टर स्पेसिंग, तो मैं ले रहा हूँ 0.1 वैल्यू, तो दो कैरेक्टर के बीच के स्पेसिंग चेंज होगी, 0.3 ले रहा हूँ, तो यहाँ पे दो कैरेक्टर है उसके बीच की स्पेसिंग अभी चेंज हो रही है, 0.4। वापस तो आपको दो कैरेक्टर के बीच की स्पेसिंग कितनी लेनी है, तो उसके लिए ये ऑप्शन तभी ऑन होगा जब आपका ऑप्शन फिट अलाइन टू फिट नहीं होगा, लेफ्ट राइट सेंटर में ये ऑप्शन ऑन हो जाएगा। तो इस टाइप से आप टैक्स लिख सकते हैं। अगर आपको सर्कल में लिखना है तो आपको थोड़ा गैप रखना पड़ेगा, सपोज एक सर्कल बना रहा हूँ और थोड़ा गैप तो रखना पड़ेगा, दूर से सर्कल लगेगा लेकिन वैसे आर्क, तो यहाँ पे गैप है, इसका मीनिंग ये आर्क है। यहाँ पे हम टैक्स की हाइट इंक्रीज कर देते हैं, तो टैक्स यहाँ पे स्टार्ट होगा और यहाँ पे एंड होगा। आर्क को मैं स्ट्रेच कर रहा हूँ, तो यहाँ पे आ रहा है द वर्ल्ड इज वेरी ब्यूटीफुल। तो वापस एडिट करना है तो सेम कमांड आर्कटेक्स, जो भी आपको एडिटिंग करना है आप कर सकते हैं। यहाँ आपको स्पेसिंग चेंज करनी हो, विड्थ सेक्टर चेंज करना हो, आप कर सकते हैं। ये भी आर्क है तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 0.6, 0.7। तो अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कर देना।
तो देखते रहिए हमारी चैनल। नए वीडियो के साथ मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।